अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं और आपको एक बद्दी वाली नौकरी चाहिए तो बिहार पुलिस लेके आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। जी हाँ, बिहार पुलिस में आई है लगभग 3,000 के आसपास वैकेंसी। तो आपको इन पदों के लिए आवेदन कैसे करना है और इसके लिए क्या क्या योग्यता है, मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा आपको। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन भी ऑन कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, ये जो पद निकले हैं बिहार पुलिस में लगभग इन प्रकार से हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए जो पद आए हैं वो आए हैं 2064। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो इसी में सर्जेंट की वैकेंसी आई है जो कि आई है लगभग 215 पदों पे। इसके अलावा जो वैकेंसी आई है वो आई है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। इसमें लगभग 125 सीट अतिरिक्त पड़े हैं। इसके अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल ये सिर्फ एक सर्विसमैन के लिए है, इसमें लगभग 42 पद खाली है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी योग्यता के बारे में। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है इसके लिए वो रहने वाला है ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, यानी कि आप बीए बीएससी या बीकॉम के अलावा बीटेक या बीसीए वगैरह भी कर रखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का। इस पर सिलेक्शन जो है दो तीन स्टेप में लिया जाएगा, जैसे कि रिटेन जो होगा वो टू टायर रिटेन है, यानी कि पेपर वन और पेपर टू होगा। जो पेपर वन में क्वालिफाई करेंगे उन्हें पेपर टू में बैठने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगा। डिटेल में वैकेंसी जानने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा, वैसे मैं वीडियो में आगे आपको डिटेल भी बता दूंगा। तो इसके लिए अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन फीस रहने वाला है वो रहने वाला है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये। अगर हम एससी एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो उन्हें 400 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसके लिए जो मिनिमम एज की जो क्राइटेरिया होगा वो होगा मिनिमम 20 ईयर होनी चाहिए। अगर हम मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो वो 37 से अधिक नहीं होना चाहिए पुरुषों के लिए। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो 40+ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वो एस सी एस टी या किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको जो एज रिलेक्शन गवर्नमेंट वैकेंसी के अनुसार मिलता है वो मिलेगी। तो हम थोड़ा सा इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में भी देख लेते हैं, जो आपका गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है वो किस प्रकार का है और उसमें क्या क्या बात कही गई। तो सिंपल सा आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। आप घबराइएगा मत, इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आवेदन कब से करनी है। तो इसका जो लिंक है ये कल से यानी कि 22 अगस्त से एक्टिवेट हो जाएगा। अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, और जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाता है तो मैं आपको आवेदन कैसे करना है ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप दूसरी वीडियो बता दूंगा। तो सबसे पहले हम एक बार डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से डिटेल्स नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो गया है और क्या क्या चीज मांगी गई है ये थोड़ी सी वैकेंसी के बारे में बताई गई है। बिहार सरकार गृह विभाग के अंतर्गत 2019 पुलिस अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर जो जो पदों के लिए रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया है। उसके अलावा ये जो तारीख दी गई है 22 अगस्त से लेकर वैकेंसी ओपन होगी और आपको 25 सितंबर तक आखिरी डेट है, जो वो ध्यान रखिएगा 25 सितंबर से पहले आवेदन करना है। इसके अलावा पदों की संख्या कौन से पद के लिए कितनी होगी वो दी गई है। सब इंस्पेक्टर के लिए 265, आरक्षी परिचारी सर्जन के लिए 215, इसी प्रकार से जेल सुपरिटेंडेंट के लिए 125, जेल सुपरिटेंडेंट एक्स मैन के लिए 142। इसके बाद आगे जो दी गई है, आप ये वैकेंसी डिटेल वाइज मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है, उसके बाद पेपर के जो होंगे वो टोटल होंगे आपके बाद देख लीजिए। मैंने दो स्टेप बताया था, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, तो दो स्टेप होंगे। पेपर का जो पैटर्न होगा वो प्रारंभिक एग्जाम में 200
नंबर्स के होंगे, जिसमें से कि 30% यानी कि 60 नंबर लाना जो है वो आवश्यक होगा। और टोटल जो कैंडिडेट चयन किए जाएंगे वो लगभग वैकेंसी के 20 गुना, तो काफ़ी अच्छा मौका है। लगभग 3000 पद है, तो इस हिसाब से हम मान ले तो करीब जो सिलेक्शन होगा वो हो जाएगा, सीट 60,000 लोगों का प्री क्वालिफाई होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा भी 2 घंटे के लिए 200 मार्क्स का होगा। यहाँ भी आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 30% मार्क्स जो है वो लाने होंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे पैटर्न देख लेते हैं थोड़ा सा, तो पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। द्वितीय में होगा आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, वही जो जनरल नॉलेज के प्रश्न होते हैं वही आएंगे। प्री के भी एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या दी गई है। प्रारंभिक परीक्षा में कुछ ऐसी डिटेल दी नहीं गई है, लेकिन पेपर जो जनरल नॉलेज के होंगे उसके बाद ये मेरिट लिस्ट के बारे में बताएगा। तो यह पूरा नोटिफिकेशन जो है आप खुद ब खुद पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। उसके बाद देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बिहार डेलीगेशन से चंदन कुमार, आप वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अगर हमारा वीडियो